गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टी नॉलेज और मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर अंसारी। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। फ्रेशर्स जो भी हैं या तो लिख लें, नोट कर लें, ठीक है, और हो सके तो अगर नहीं हो पा रहे आप दोबारा वीडियोज़ को देखें, ठीक है, मगर चीज़ों को ध्यान से सुने। ये आप लोगों के कैरियर का सवाल है तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, ध्यान रखें इस चीज़ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, कौन कौन सी बातें मैटर करती हैं इस चीज़ को, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में मैनेजमेंट कर ली, अब हमें सबसे बड़ा जो सवाल आता है हमारे सामने कि हम कौन सा गार्डन ज्वाइन करें, टी गार्डन, ठीक है, कौन सा गार्डन है जो हमें फ्रेशर्स हायर करेगा। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, कौन कौन सी गार्डन है बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक फैलाइए जो फ्रेशर है, उन तक पहुँचाइए, और हो सके जितना उतना लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सी गार्डन है एक्चुअली जो फ्रेशर्स को हायर करती है। बेसिकली बहुत प्रॉब्लम होता है ना कि अभी भी मेरे पास में कई सारे कॉल्स आते हैं इसमें कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने मैनेजमेंट कर ली, अब मुझे कौन सी गार्डन में अप्लाई करना चाहिए। मैं कई गार्डन में अप्लाई कर चुका हूँ मगर फ्रेशर्स कोई लेने, इसमें यूट्यूब में भी कमेंट्स में आती है कि सर मैंने मैनेजमेंट कर ली है तो अब मैं कौन से गार्डन में अप्लाई करूँ, मुझे कौन कौन सा गार्डन है जो फ्रेशर्स को हायर करती है, आप प्लीज़ बताइए। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ भाई आप लोगों को, ये चीज़ जो है इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पक्का पक्का पूरे एंड तक देखिए इस चीज़ को। मैं गार्डन्स का जो नाम है वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अच्छे से, कौन कौन सी गार्डन है। तो पहला गार्डन है जहाँ पे फ्रेशर्स को, अगर आप अगर मैनेजमेंट करे हो या एग्रीकल्चर करे हो तो आपको 101% आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी एज अ फ्रेशर, वो हायर करेंगे आपको, ठीक है। तो हायर करेंगे तो एक और समस्या है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेशर्स जब होते हो ना आप, तो इतना एक्सपेक्टेशन मत किया करो यार कि मुझे सर आप इतनी सैलरी दे दो, उतनी सैलरी दे दो, क्यों। एक तो आपको आज का जो टाइम है फ्रेशर्स को हायर करना नहीं चाहते कोई, ऊपर से जब आपको कोई हायर कर रहा है तो आप वहाँ पे अपना डिमांड करने लगते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई आप काम सीखने जा रहे हो, वो चीज़ को ध्यान में रख के जाओ, ये नहीं कि आप पैसा कमाने जा रहे हो। आप जब काम सीख जाओगे पैसा आपके पीछे भाग के आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप डिमांड मत कीजिएगा कंपनीज के पास में, कंपनी इसी वजह से नहीं रखते हैं फ्रेशर्स को क्योंकि वो डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ढिकाना, इतनी सैलरी चाहिए, क्या है ये। तो ये चीज़ गलत बात है। तो पहला मैं बताता हूँ आपको गार्डन, एक है असम में उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बटेली टी स्टेट। वहाँ पे जब आप मैनेजमेंट करने के बाद में या एग्रीकल्चर करने के बाद में अगर वहाँ पे इंटरव्यू देते हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर, फ्रेशर के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ से कॉल 100% आएगा और यहाँ पे 100% आप चांसेस है, समझ लो कि वहाँ पे आपको एज ए फ्रेशर हायर कर लेंगे वो लोग। वहाँ पे इतनी वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, साल भर वहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं, ठीक है, साल भर वहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिएगा आप कौन कौन सी गार्डन में बता रहा हूँ, जो सिर्फ वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं उन्हीं गार्डन का मैं बारे में बता रहा हूँ आपको। तो बटेली टी स्टेट के बारे में बताया मैंने। दूसरा आपको मेरी व्यू टी स्टेट जो सिलीगुड़ी तेराई रीजन में पड़ती है, ठीक है, विधाननगर के आसपास में भी, वो भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, वो दलमिया ग्रुप की है वो भी। वहाँ पे भी हमेशा फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं, वो हमेशा फ्रेशर्स को वैकेंसीज देने के लिए, पोस्ट देने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर कोई फ्रेशर्स आता है तो उनको वो हायर कर लें, ठीक है। वो मैनेजमेंट सिखाते हैं आपको, बनाते हैं मैनेजर किस तरीके से बनना है, वो बिल्डअप करते हैं। वो हो गया मेरी व्यू टी स्टेट, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो वो बहुत बड़ी कंपनी है, तीसरी जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ भाई,
ये है लक्ष्मी ग्रुप। लक्ष्मी ग्रुप फ्रेशर्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है पिछले कुछ टाइम से। पिछले ये 1-1.5 सालों के भीतर में लक्ष्मी ग्रुप में सिर्फ फ्रेशर्स को लिया जा रहे हैं, वो मैक्सिमम फ्रेशर्स को अपने अंदर में काम पे रख रहे हैं। ठीक है, किस किस लिए रख रहे हैं? क्योंकि वो फ्रेशर्स को लाएंगे, उनको काम सिखाएंगे, अपने तौर तरीके सिखाएंगे, उनको मैनेजमेंट सिखाएंगे, मैनेजर बनाना है उनको, तो इसलिए वो फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। फ्रेशर्स को हायर करने में उनको काम, मतलब हर एक चीज, बाद में वो अपने, उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, इतनी बड़ी उनका जो साम्राज्य है, ना जाने कितनी गार्डन्स हैं, 18-19 गार्डन है उनके पास में, इतनी बड़ी, मतलब आप समझ लो एकदम त्रिपुरा से लेके सीधे दार्जिलिंग तक उनका ये गार्डन भरा पड़ा है उनके पास में, इतनी बागान है उनके पास में। तो उनके पास में वैकेंसीज की कमी नहीं रहती है। ठीक है, वो फ्रेशर्स के लिए हमेशा उनके पास में वैकेंसी रहती है, आप वहां पे अप्लाई करो। ठीक है, तीसरा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो एमके शाह ग्रुप में। एमके शाह ग्रुप में हमेशा वैकेंसीज अवेलेबल रहती है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसीज अवेलेबल रहती है एनी टाइम उनके पास में, जब भी आप अप्लाई करोगे तो रेस्पॉन्स आएगा, कुछ टाइम लेट से आ सकता है मगर रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपको जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी आपको हायर करेगी और हमेशा उनके पास में वैकेंसीज रहती है वो है। उसके बाद में लास्ट वन जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये याद रखिएगा, ये है आपको एपीजे ग्रुप। एपीजे ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप है, उनके पास में भी वैकेंसीज हमेशा फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। आप जब भी अप्लाई करोगे आपको हो सकता है रेस्पॉन्स लेट से मिले, ठीक है, मगर मिलेगी, रेस्पॉन्स मिलेगी। और अगर आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो डेफिनेटली आपको चांस मिलना है वहाँ पे, मौका मिलेगा वहाँ पे। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फ्यूचर बनाती है लोगों की। तो ये जो 5 मैंने कंपनीज के बारे में या गार्डन और कंपनीज के बारे में बताई, आप वहाँ पे अप्लाई करो, आपको पक्का पक्का जॉब मिल जाएगा फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो इस इन चीज़ों को आप इग्नोर मत करना प्लीज़। अगर इग्नोर करोगे तो भाई मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, जो भी जाएगा आपका जाएगा। ठीक है, तो इग्नोर मत करना, और कभी एटीट्यूड मत रखो, घमंड मत रखो अपने अंदर में। जब आप फ्रेशर जाते हो इंटरव्यू लेता है ना भाई, ये जो डिमांडिंग जो है ना, ये चीज़ को छोड़ दो, डिमांड करोगे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, तो ये चीज़ मत करना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पे कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को आगे। इस तरीके से अब किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, क्या ईमेल आईडी वगैरह जो भी रहेगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगा वहाँ पर आप लोग को सब कुछ डिटेल्स में दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर, जय हिंद।